सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मोहम्मद सादिक। आइए सीधे चलते हैं जिला दे के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा को सुनते हैं। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं सिवान जिला के हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल रिजवान साहब और मंच का संचालन कर रहे बिहार राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहार प्रदेश से आए हुए हमारे नेतागण और सिवान जिले के लगभग सभी प्रखंडों के आए हुए राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता साथियों, मैं बहुओं को लेकर भाषण देने नहीं आया, मैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए आप लोगों से आया हूं कि पहली बार जब हम घूम रहे थे सिवान जिला में 19 प्रखंड है, पचुरखी ब्लॉक में हमें जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन लगभग हम सभी प्रखंडों में गए, 18 प्रखंडों में। हर जगह हमारी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ी है और हमारी पार्टी ने जो डिसीजन लिया है कि हम एनडीए के साथ खड़े होंगे और बिहार में लड़के और राज नहीं आने देंगे, इस बात का लोगों ने स्वागत किया है। इसलिए अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहते हैं कि आप इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़, हजारों हजारों कार्यकर्ता इस बात के सबूत हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि आने वाले दिनों में हम बिहार में एक नया विकल्प देंगे और लालू राज का वो पुराना दौर, वो जो पूरी मंजर था बिहार में, उसकी पुनर्वापसी नहीं होने देंगे। सिवान की धरती पर हम पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन उस मंजर को सिवान की धरती पर, बिहार की धरती पर उसकी पुनर्वापसी नहीं होने देंगे। हम अपने साथियों से कहने के लिए आए हैं कि हर जिले में हमारी पार्टी का सम्मेलन हो रहा है और उसी क्रम में सिवान जिले में आपका सम्मेलन हो रहा है। सबसे पहले इस सफल सम्मेलन के लिए हमारी पार्टी के जितने प्रखंड अध्यक्ष हैं, 1900 प्रखंडों का जो भी हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं अब्दुल रिजवान साहब, हमारे जिला के नेता हैं विजय कुशवाहा जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, हेमंत कुशवाहा जी, स्मृति कुमार, फिर उन तमाम नेताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहते हैं कि तमाम साथियों ने कड़ी मेहनत करके, रातों की नेक करके इस सम्मेलन को सफल किया, इसलिए हम एक बार फिर उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे नेता बहुत सारे राजनीतिक प्रश्नों पर बात करेंगे, हमारी राजनीतिक दिशा क्या है, हम आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब यहां तक सम्मेलन से आप लौटेंगे तो इस शपथ के साथ लौटेंगे कि आने वाले दिनों में हम अपनी पूर्व पार्टी की संस्था पूरी गंभीरता के साथ चलाएंगे और लाखों लोगों को हम पार्टी में भर्ती करेंगे। संस्था में चला करके सिवान जिले में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में हमारा स्वच्छता अभियान चलेगा, हर गांव में जाएंगे, हर कस्बे में जाएंगे, हर बूथ तक जाएंगे, हर समाज के बीच जाएंगे, चाहे वे रगड़ हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, यहां भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों की अच्छी भागीदारी है। हमारी पार्टी समाज के तमाम वर्गों की, तमाम तबकों की पार्टी है और हम लोगों ने साबित किया है कि हम, हमारी जो पार्टी की लाइन है, हमारी जो पार्टी की दिशा है, हम सबको लेकर के एक साथ चलेंगे। कभी भी हम सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करेंगे, हम सामाजिक सद्भाव के लिए काम करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हम काम करेंगे और बिहार के डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे। हमारी नीतियां हैं कृषि के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, इस बात पर हमारे नेता रखेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोग हर प्रखंडों से आए हैं, यहां से जब आप लौटेंगे
तो आप पार्टी के संदेश को लेकर के जाएंगे। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, हमारी पार्टी को चाहे जितनी सीट मिले, हम गठबंधन के पार्ट हैं, हम गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन हमें जितनी सीटें इस गठबंधन में मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीटें हमारी पार्टी जरूर जीतेगी। ठोकर के मैं कहता हूं, यहां से भी हमारा उम्मीदवार लड़ेगा। 2025 में भी हम मजबूती के साथ हमसे करेंगे। इसलिए आप तमाम साथियों से हमारा आग्रह है, हमारा अपील है कि आप लोग इस संदेश को लेकर के जाएं। यहाँ हमारे साथी जवान साहब हैं, इनको भी आप लोग ताकत दें। हमारे जिला के यहाँ जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आप उनको भी ताकत दें, आपस में समन्वय बनाने की कोशिश करें, स्वस्थ प्रतियोगिता करें और स्वस्थ प्रतियोगिता करके पार्टी की ताकत को मजबूत करें और आने वाले दिनों में हर तरह के चैलेंज को, हर तरह के चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। तो आप सुन रहे थे जीरादे के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, जो अभी मंच से आरएलजेडी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें, 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।